आपका स्वागत है मेरा सिविल बेसिक कोर्स में। मैं आज पढ़ाने जा रहा हूँ। आज का टॉपिक है कोलराइड अटैक्स। तो कोलराइड अटैक में क्या होता है, इसमें क्या कैसे होता है, तो इसमें है कि इसका डिफिनेशन है पहले कि ड्यू टू द हाई एल्कलिनिटी ऑफ कंक्रीट प्रोटेक्टिव ऑक्साइड फिल्म इज फॉर्म ऑन द सर्फेस ऑफ स्टील रेन्फोर्समेंट। क्योंकि हाई एल्कलिनिटी ऑफ कंक्रीट के कारण प्रोटेक्टिव ऑक्साइड एक फिल्म में जो है फॉर्म होता है सर्फेस ऑफ स्टील रेन्फोर्समेंट में। और दिस प्रोटेक्टिव पैसिविटी लेयर जो है कैन बी लॉस्ट ड्यू टू कार्बनाइजेशन। और ये प्रोटेक्टिव पैसिविटी लेयर जो है क्या होता है कि लॉस्ट हो जाता है ड्यू टू कार्बनाइजेशन के लिए, ठीक है। और दिस प्रोटेक्टिव लेयर कैन बी लॉस्ट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्लोराइड इन द कॉन्क्रीट। और ये जो है दिस प्रोटेक्टिव लेयर कैन बी लॉस्ट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्लोराइड इन द कॉन्क्रीट। क्लोराइड कैसे इंटर करता है, तो क्लोराइड इंटर द कॉन्क्रीट फॉर्म सीमेंट वाटर एडमिक्सचर एंड एग्रीगेट, इसके थ्रू क्लोराइड इंटर करता है। व्हेन देयर इज क्लोराइड इन कॉन्क्रीट देयर इज अ इंक्रीज रिस्क ऑफ कोरोजन। जब क्लोराइड इंटर करता है कॉन्क्रीट में तो क्या होता है कि इंक्रीज कर देता है रिस्क ऑफ कोरोजन ऑफ एम्बेडेड मेटल में, ठीक है। एम्बेडेड मेटल में क्या होगा, तो इंक्रीज कर देता है रिस्क ऑफ कोरोजन। द हायर द क्लोराइड कॉन्टेंट द ग्रेटर द रिस्क ऑफ कोरोजन। अगर हायर द क्लोराइड कॉन्टेंट हायर रहेगा तो ग्रेटर विल बी द रिस्क ऑफ क्रोजन होगा, ठीक है। यही था। इसके बाद है कि क्लोराइड साइड कैन बी इंटर कॉन्क्रीट इन टू वेज। दो तरह में इंटर करता है क्लोराइड, या तो इट मे बी प्रेजेंट इन द कॉन्क्रीट मिक्स इट्सेल्फ, या तो ये खुद प्रेजेंट रहेगा कॉन्क्रीट मिक्स में इट्सेल्फ में। दूसरा, इट कैन बी पेनिट्रेट इन टू द हार्ड कॉन्क्रीट वेन एवर इट इज परमिएबल एंड रीच द रेन्फोर्समेंट एंड आइसोलेटेड पॉइंट। इट कैन बी पेनिट्रेट इन टू द हार्ड, पेनिट्रेट करेगा हार्ड कॉन्क्रीट में वेर एवर इट इज परमिएबल एंड रीच द रेन्फोर्समेंट एट आइसोलेटेड पॉइंट। जब ये परमिएबल रहेगा और ये जब रीच कर जाएगा रेन्फोर्समेंट में एट आइसोलेटेड पॉइंट में, तो इस तरह से दो प्रोसेस है इसका क्लोराइड इंटर करने का। उसके बाद है कि क्लोराइड को हम लोग अटैक से कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो क्लोराइड अटैक से प्रोटेक्ट करने के लिए क्या है कि पहला उसका कारण है, कैसे प्रोटेक्ट करेंगे, तो पहले क्या करेंगे, इंक्रीज द कंक्रीट कवर, इंक्रीज कर देंगे, इंक्रीज कंक्रीट कवर। कंक्रीट कवर को हम लोग इंक्रीज कर देंगे, पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है कि क्या करेंगे इसमें, तो कैथोडिक प्रोटेक्शन करेंगे। कैथोडिक प्रोटेक्शन में ये करेंगे क्या, कैथोडिक प्रोटेक्शन, ठीक है। तीसरे पॉइंट इसमें क्या करेंगे, यूज ऑफ इपॉक्सी कोटेड बार। हम लोग जो बार यूज करेंगे उसमें वो इपॉक्सी कोटेड होगा, यूज ऑफ इपॉक्सी कोटेड बार, ठीक है। और चौथा उसका पॉइंट क्या है कि हम लोग लो सीमेंट वाटर सीमेंट रेशियो कर देंगे, लो वाटर सीमेंट रेशियो, ठीक है। या पांचवा पॉइंट क्या है कि हम लोग यूज़ करेंगे स्टेनलेस स्टील बार, यूज स्टेनलेस स्टील बार, ठीक है। तो इसमें पांच पॉइंट है जो हम लोग इसको कैथोडिक प्रोटेक्शन से हम लोग बचा सकते हैं। तो पहला पॉइंट क्या था कि इंक्रीज कर देंगे कंक्रीट कवर को, दूसरा था कि कैथोडिक प्रोटेक्शन करेंगे, तीसरा पॉइंट था कि यूज़ ऑफ एपॉक्सी कोटेड बार यूज़ करेंगे, चौथा पॉइंट था कि लो वाटर सीमेंट रेशियो यूज़ करेंगे, और पांचवा पॉइंट था कि यूज़ ऑफ स्टेनलेस स्टील बार यूज़ करेंगे। अब आते हैं हम लोग अगले टॉपिक पर जो है एसिड अटैक। अब एसिड अटैक कैसे होता है कॉन्क्रीट में, अब कारण क्या है उसका वो बताऊँगा मैं। एसिड अटैक, ठीक है। एसिड अटैक जो है कॉन्क्रीट इज कैपेबल टू एसिड अटैक बिकॉज ऑफ अल्कलाइन इन नेचर। कि कॉन्क्रीट जो है वो कैपेबल एसिड अटैक का क्यों है, क्योंकि अल्कलाइन इन नेचर है वो, ठीक है, और अल्कलाइन नेचर का है। और द कंपोनेंट ऑफ द सीमेंट प्लेस ब्रेक डाउन ड्यूरिंग द कॉन्टैक्ट विथ एसिड। और जो कंपोनेंट ऑफ सीमेंट होता है वो ब्रेक डाउन हो जाता है जैसे ही वो कॉन्टैक्ट होता है एसिड के, जैसे ही वो संपर्क होता है वो एसिड के से, तो उसका जो सीमेंट पेस्ट कॉन्टेंट ये जो है
क्या बोलते हैं कंपोनेंट जो है वो ब्रेक कर जाता है, ठीक है। अब डिग्री ऑफ अटैक ऑफ इंक्रीजेज द एसिडिटी इंक्रीज है। अब डिग्री ऑफ अटैक जब इंक्रीज करेगा तो एसिडिटी भी इंक्रीज करेगा, ठीक है। तो रेट ऑफ अटैक ऑल्सो डिपेंड ऑन एबिलिटी ऑफ हाइड्रोजन आयन्स टू बी डिफ्यूज थ्रू द सीमेंट जेल। अब रेट ऑफ अटैक किस पर डिपेंड करता है, तो एबिलिटी ऑफ हाइड्रोजन आयरन पर डिपेंड करता है टू बी डिफ्यूज थ्रू द सीमेंट जेल आफ्टर सी ए ओ एच टू, ठीक है। इसके बाद हैज बीन डिजॉल्व एंड रीच आउट। तो हम क्या था कि रेट ऑफ अटैक किस पर डिपेंड करेगा, तो एबिलिटी ऑफ हाइड्रोजन आयरन पर डिपेंड करेगा टू बी डिफ्यूज थ्रू द सीमेंट जेल, जो डिफ्यूज होगा थ्रू द सीमेंट जेल, और आफ्टर सी ए ओ एच टू से हैज बीन डिजॉल्व एंड रीच आउट, वो फिर डिजॉल्व होगा से आफ्टर द सी ए ओ एच होल स्क्वायर टू के, जो वो डिजॉल्व होगा और हैज बीन डिजॉल्व क्या होगा, डिजॉल्व करने के बाद वो रीच आउट हो जाएगा। अब जो है प्लेसेस वेयर द एसिड अटैक, कहाँ कहाँ एसिड अटैक होता है, तो पहला जो एसिड अटैक होता है कॉन्क्रीट इज यूज फॉर द स्टोरेज ऑफ मेनी काइंड ऑफ लिक्विड, सम ऑफ दिस हार्मफुल फॉर कॉन्क्रीट। अब जो कॉन्क्रीट का जो स्टोरेज करते हैं ऑफ मेनी काइंड ऑफ लिक्विड्स है, सम ऑफ विच आर हार्मफुल इन कॉन्क्रीट, एसिड अटैक इज इंकाउंटर ऑल्सो अंडर इंडस्ट्रियल कंडीशन। इन इंडस्ट्रियल प्लांट कॉन्क्रीट फ्लोर कम इन कॉन्टैक्ट विथ एसिड विच डैमेज द फ्लोर। अब एसिड अटैक यह जो है इंकाउंटर करता है, इंकाउंटर कहाँ करता है, ऑल्सो अंडर इंडस्ट्रियल कंडीशन पे भी वो इंकाउंटर करता है, और इंडस्ट्रियल प्लांट कॉन्क्रीट फ्लोर जो है, कॉन्क्रीट फ्लोर जो होता है वो कम इन कॉन्टैक्ट विथ एसिड विच डैमेज द फ्लोर, ठीक है। उसके बाद है कि सीवेज वाटर ऑल्सो हैव वेरी स्लोली कॉजेज डिटोरेशन ऑफ कॉन्क्रीट। सीवेज वाटर जो है वो ऑल्सो वो भी जो क्या है कि स्लोली कॉजेस करता है डिटोरेशन ऑफ कॉन्क्रीट में। यही दो टॉपिक था आज का, एक टॉपिक था हम लोग का क्या क्लोराइड अटैक, दूसरा टॉपिक था हम लोग का एसिड अटैक, ठीक है। अब अगले टॉपिक में मैं आपको समझाऊंगा कि क्रैक कैसे होता है, हाउ क्रैक ऑकर्स, उसका फिर सॉल्यूशन क्या है, ठीक है। मेरे चैनल पर बने रहिए देखने के लिए वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब देते रहिए। थैंक यू।